आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शनिवार को अक्षय तृतीया से शुरू हो गई है। अगले 5 दिन में हिंदू तीर्थयात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के दर्शन करेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुल गए। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाएंगे। यात्रा शुरू होते ही केदारनाथ धाम में रविवार को रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है। खराब मौसम के कारण हरिद्वार और ऋषिकेश में केदारनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक रोक दिया गया है। राज्य सरकार ने तीर्थ यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों से कहा गया है कि वे धाम जाने से पहले अपने साथ गर्म कपड़े और जरूरी सामान रखें। इधर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड की रेंज में आने से एक शख्स की मौत हो गई। एसपी रुद्रप्रयाग विशाखा अशोक के मुताबिक मरने वाला शख्स केदारनाथ में हेलीकॉप्टर चलाने वाली कंपनी में अधिकारी था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।